मूव एंड P3 है ना, तो P3 उसके बाद बाकी बातें। अराउंड 40 वर्ड्स होंगे। जगह चेंज करो, जगह ये फरमाइशों वाले लोग हैं, ये बड़े सारे इनमें पीछे जो एक दो तीन बैठते हैं ना, बड़े फरमाइशों वाले हैं, है ना। आपके लिए एक वर्ड यूज हुआ था, बताओ कौन सा, पढ़ाई नहीं है ना, उसी में। तो ये देखिए P3, कम ऑन, पोस्टेरिटी, फ्यूचर जनरेशन। पोस्टेरिटी मीन्स फ्यूचर जनरेशन, वो अलग हो गया देखो आपसे। पोस्टेरिटी मीन्स फ्यूचर जनरेशन। आपने महात्मा गांधी को देखा है कभी? नहीं देखा है ना, पोस्टर भी देखा होगा है ना। तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी हमें पोस्टर से याद रखेंगे, जब हमारे भी पोस्टर लगेंगे। भाई साहब फोन बाहर जाके, बाहर जाके फोन। पूछते हैं आपसे कि आए ना आए, दरवाजा बंद कर दो यार, वो एसी चल रहा है ना। तो हमारी आने वाली पोस्टेरिटी हमें पोस्टर से याद करेगी, पहचानेगी, हमारे भी लगेंगे पोस्टर, वांटेड वाले है ना। इनाम 250 रुपये, 350 रुपये, इतना ही होगा। सो पोस्टेरिटी, पोस्टर्स, फ्यूचर जनरेशन, कमिंग जनरेशन, ओके। एंड प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल, प्रैग 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 प्राग 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 पान प्राग, और पान प्राग खाने वाले लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। प्राग प्रैग्मेटिक, प्राग प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट प्रेटल, बकबक करना। ये देखो प्रेत दिखाई दे रहा है, प्रेत, बैबल बैबल जैबर बैबल, अब आ गया प्रेत दिखाई दे रहा है, प्रेत। प्रेत आत्माएं रात को प्रेटल करती हैं, प्रेत आत्माएं रात को प्रेटल करती हैं। प्रेत आत्माएं प्रेटल एट नाइट, प्रेत प्रेटल, ओके। प्रीकेरियस, रिस्की, रिस्की मीन्स डेंजरस। तो प्री केयर तो जरूरी है, प्री केयर चीजों के लिए, प्री केयर चीजों के लिए प्री केयर, प्री केयर जरूरी है। डन, प्री केयर, प्रीकेरियस। रिवाइज करते हैं फोर वर्ड्स, कम ऑन। प्रेटल का मीनिंग है बकबक करना, बेबल प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल, प्रीकेरियस क्या है, रिस्की है, एंड दिस इज पोस्टेरिटी, फ्यूचर जनरेशन, गुड वन। प्रिसेप्ट, रूल्स, तो कंपनी के रूल्स आपको एक्सेप्ट भी तो करने हैं, प्रिसेप्ट एक्सेप्ट करने हैं। प्रिसेप्ट एक्सेप्ट। नेक्स्ट प्रीक्लूड, मेक इम्पॉसिबल। आप अपने टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं जी कोई क्लू दे दो एग्जाम के लिए कोई क्लू, तो टीचर क्या कहती है, बेटा प्री, प्री मीन्स पहले, प्री क्लू देना तो इम्पॉसिबल है, एग्जाम से पहले प्री क्लू, प्रीक्लूड, एग्जाम से पहले प्री क्लू, प्रीक्लूड। प्री क्लू, प्रीक्लूड, इम्पॉसिबल। प्रीकर्सर सबसे आगे, आपको याद है सबसे पीछे की इंग्लिश की थी आपने, एच से, हिंडमोस्ट,
ये प्री कर्सर, कर्सर होता है ना, कर्सर, कंप्यूटर का कर्सर, जब भी कोई फाइल खोलनी होती है सबसे आगे वही होता है, ये वाला. सो हिंडमोस्ट इसका ऑपोजिट है, तो लिख दो कर्सर इज द प्री कर्सर. कर्सर इज द प्री कर्सर इन कंप्यूटर. कर्सर प्री कर्सर है. प्रिडिकामेंट, प्रिडिकामेंट प्रॉब्लम, डिका डिका डिका, टीना मीना डिका आर फेसिंग प्रिडिकामेंट. टीना मीना डिका फेस कर रहे हैं प्रिडिकामेंट प्रॉब्लम्स. कितने वर्ड्स हैं इसमें टोटल? 38 ओनली. ओके, हमने किया है 8. कम ऑन, प्रिसेप्ट रूल्स, कम ऑन सामने देखिए बताइए. प्रीक्लूड इम्पॉसिबल बनाना. ओके, प्रीकर्सर सबसे आगे और सबसे पीछे की इंग्लिश होती है हिंडमोस्ट. वेरी गुड. एंड लास्ट क्या था? प्रिडिकमेंट. ठीक है, प्री डायरेक्शन का मीनिंग होता है भेदभाव. अब पार्शियलिटी भी होता है इसका मीनिंग, और इंक्लिनेशन भी होता है. देखिए भाई, मैं कह रहा हूं कि हमारी क्लास का मॉनिटर तो यही बनेगा, यानी कि मैंने भेदभाव किया सबसे, इन्हें बना दिया, या ये इतने इंटेलिजेंट है कि मेरा इनके प्रति इंक्लिनेशन है, यानी कि झुकाव है, लाइकिंग है. तो प्री डायरेक्शन का मीनिंग लाइकिंग भी हो गया ना, उसी वजह से तो भेदभाव कर रहे हैं. 100 बच्चों में से धृतराष्ट्र ने कहा यही बनेगा दुर्योधन, तो प्री डायरेक्शन थी कहीं ना कहीं. ठीक है, तो प्री इलेक्शन, शी यूज्ड प्री डायरेक्शन इन प्री इलेक्शन. She used predilection in pre-election. Predilection, pre-election. Bhedbhav. Preempt. Future को देखते हुए action लेना. Pre-empty करके ले रहे हैं preempt action. सरकार ने कहा था यहाँ bulldozer चलेगा, हटा लो, अभी अपना सामान हटा रहे हैं. तो प्री एम्प्टी कर रहे हैं जगह को, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा, सारा सामान खराब हो जाएगा. प्री एम्प्टी कर दो, प्रीम्प्ट एक्शंस. सेंटेंसेस पढ़िएगा घर जाकर. हाँ, प्रीन साफ सुथरा, रिन, रिन विल प्रीन यू, रिन से ना आकर प्रीन हो जाओ, रिन विल प्रीन यू. प्रीलूड इंट्रोडक्शन, जब आपका सिलेक्शन होगा आप जाएंगे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो खाली हाथ मत जाना. प्री लड्डू, लड्डू पहले ही लेके जाना. प्रीलूड, प्री लड्डू, प्रीलूड इंट्रोडक्शन. रिवाइज करते हैं. प्रील्यूड द मीनिंग ऑफ प्री डायरेक्शन भेदभाव, प्रीन साफ सुथरा, एंड द मीनिंग ऑफ प्रीम्ड फ्यूचर को देखते हुए एक्शन लेना. प्रीमोनिशन आभास, कुछ होने का आभास. देखो प्री मनी, आप मनी लेकर जा रहे थे, प्री पहले ही आभास हो गया कि कोई छीन लेगा. पहले पिक्चर देखिए पूरी दो बार. अग्रवाल पे जाओ पहले, तुम्हारा फोन नहीं है ना? फोन दो चक्कर लगेगा तुम्हारे. अग्रवाल पे जाओ, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर है ना, हलवाई की दुकान यार अग्रवाल सामने, सड़क क्रॉस करके वहाँ पर वो लड्डू होंगे. लड्डू कौन से? बूंदी के. दो तीन तरह के होंगे, दो तीन की वो पूछ के हो क्या क्या रेट है. फोन नहीं है इनके पास, फोन नहीं है इनके पास. अरे एक बार पूछ के आओ, मुझे आइडिया हो जाएगा इनका, ये कोई गलत ना जाए. सुनो सुनो एक बार राउंड लेके आओ सामने से, अभी है टाइम हमारा. या तो कितने के हैं, दो तीन तरह के होंगे उसके पास, तीनों के रेट पूछ देना. और ये पूछना एक किलो में कितने चढ़ते हैं, लगभग 23-24-25 कितने, एक बार पूछ के आओ जल्दी, फिर बताता हूँ.
बाद में बोले हम बोले ये कहना था, वो बोले नहीं ये क्या फायदा, एक वो चक्कर लगा देगा। ठीक है, तो प्री मनी ले जाने से पहले इसे प्री मोनिशन हो गया छिन्ने का, फॉरबोर्डिंग किया था ना, फॉरबोर्डिंग। प्रीपोंड्रेंस अधिकता, सुपीरियरिटी ऑफ पावर, प्रीपोंड्रेंस ऑफ गर्ल्स इन कोरेस्पोंडेंस कोर्स, प्रीपोंड्रेंस ऑफ गर्ल्स इन कोरेस्पोंडेंस कोर्स। सो द मीनिंग ऑफ प्रीपोंड्रेंस इज अधिकता। Then, preponderance of anything. लिखा सभी ने, चले आगे। प्री पोस्टर्स होता है तुच्छ, फिर आ गया पोस्टर। स्टिकिंग डर्टी पोस्टर्स इज प्री पोस्टर्स, तुच्छ होता है, पिकुलियर होता है। स्टिकिंग डर्टी पोस्टर, ये ऐसे कर दो, ये पोस्टर प्री पोस्टर्स है, ऐसे कर सकते हैं, तुच्छ है ये पोस्टर, प्री पोस्टर्स है, तुच्छ है। प्रेरोगेटिव, विशेष अधिकार, प्रिविलेज, ये विशेष अधिकार। देखो पैरो से गेट खोलने का विशेष अधिकार सिर्फ मालिक के पास होता है, नौकर के पास नहीं। मालिक लेटे लेटे सोफे से ही पैरों से दरवाजा खोल देता है, नौकर ऐसे नहीं कर सकता, ये जरूरत नहीं कर सकता। पैर से गेट खोलने का प्रेरोगेटिव, डन। रिवाइज करते हैं, प्रेरोगेटिव का मीनिंग है विशेष अधिकार, प्रीपोंड्रेंस अधिकता, प्रीमोनिशन प्री मनी, ठीक है, पूर्वाभास, एंड प्री पोस्टर्स, पोस्टर क्या है, तुच्छ। मैं पी के वर्ड हमेशा लास्ट में कराता हूँ क्योंकि ये थोड़े लंबे लंबे वर्ड्स हैं और कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, लंबे हैं, ज़्यादा हैं, तो इसके लिए आपको 10 मिनट देने हैं घर जाकर, आज आज मीन्स आज और कल के बीच में, परसों हो गया तो मुश्किल हो जाएंगे ये, ठीक है, सिर्फ जाते ही देखना है 10 मिनट के लिए, खत्म, 10 नहीं 5 मिनट। प्री साइंस, फोरटेल द फ्यूचर, भविष्य बताना, साइंस, साइंस में है प्री साइंस, साइंस में है प्री साइंस, भविष्य में क्या होगा साइंस को ज्यादा पता है, प्री साइंस, फोरटेल द फ्यूचर। प्रीटेक्स्ट होता है बहाना, आप स्टोरी में कर चुके हैं, कौन सी स्टोरी में किया था, 4G वाली, दो तरह की बुक्स पढ़ी थी ना, हिस्ट्री की और टेक्स्ट बुक, वही है। तो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता तो दे दिया प्रीटेक्स्ट, ये बच्चा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता तो दे देता है प्रीटेक्स्ट, बहाना, टेक्स्ट प्रीटेक्स्ट, टेक्स्ट प्रीटेक्स्ट। प्री वेरिकेट भी उसी स्टोरी में था, झूठ या सच को छिपाना, प्राइवेट कैट, ये प्राइवेट कैट करती है प्री वेरिकेट, ये प्राइवेट कैट करती है प्री वेरिकेट, प्राइवेट कैट, प्री वेरिकेट। नेक्स्ट, प्रिस्टाइन के दो मीनिंग है, देखिए प्योर, एक इसका मीनिंग है प्योर, उसका दूसरा मीनिंग है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्लियर टाइम, पुराने समय की बातें, अब जो पुराने समय की बातें प्योर ही तो थी, है ना, तो देखिए जी, प्रिस्टाइन ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसेस, प्रिस्टाइन ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसेस। प्रिस्टाइन ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसेस, बताइए जी, प्री साइंस क्या है, व्हाट इज प्रिस्टाइन, प्योर, प्री वेरिकेट झूठ, एंड प्रीटेक्स बहाना है झूठ। प्राइवेशन का मीनिंग है प्रॉब्लम्स, सो प्राइवेशन, प्राइवेट जॉब में प्राइवेशन है, प्राइवेशन इन प्राइवेट जॉब, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, गधों ऐसे काम लेते हैं। एक जोक आया था ना व्हाट्सएप में, वो कहता है कि जब वो शराबी शराब पीने बैठते हैं प्राइवेट जॉब वाले, अच्छा, तो जब शराब पीने बैठते हैं
तो पहला पैग लगाते हैं तो कहता है भाई तेरी जॉब कैसे, थर्ड है भाई, थर्ड है। अच्छा दूसरा पैग लगाता है, जब चार पांच पैग हो जाते हैं तो फिर वही बंदा कहता है भाई कुत्ता बना रखा है, कुत्ता, जाने का टाइम है आने का टाइम नहीं है, है ना, प्राइवेशन है, मुश्किलें हैं, प्रॉबिटी, ईमानदारी, नो वन कैन प्रॉब मनमोहन सिंह प्रॉबिटी, नो वन कैन प्रॉब मनमोहन सिंह प्रॉबिटी, मनमोहन सिंह जी की प्रॉपर्टी पे कोई भी प्रॉप नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता, ईमानदारी, इमैकुलेट, इमैकुलेट, आई कैलकुलेट, इमैकुलेट, इम्पैकेबल, इसके सिनोनिम्स हैं। डन, चले आगे, प्रोडिगल, देखिए अगले दो वर्ड, प्रोडिगल एंड प्रोफ्लिगेट, बोथ आर सिनोनिम्स, जिसका मीनिंग है वेस्टफुल या वेस्ट करना, प्रोडिगल, 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 प्राउडिगल, प्राउडिगल्स आर प्रोडिगल, वेस्टफुल होती हैं, प्राउडिगल्स आर प्रोडिगल, वेस्टफुल, अगला वर्ड है प्रोफ्लिगेट, प्रॉफिट, ये देखिए प्रॉफिट गेट, प्रॉफिट इज गोइंग फ्रॉम गेट, सारा प्रॉफिट गेट से बाहर जा रहा है, प्रोफ्लिगेट हो रहा है, सारा प्रॉफिट गेट से बाहर जा रहा है, प्रोफ्लिगेट हो रहा है, सो द मीनिंग ऑफ प्रोफ्लिगेट इज वेस्ट। कम ऑन बताइए, प्रोफ्लिगेट, वेस्टफुल, प्राइवेशन, प्रोडिगल, बोथ आर सिनोनिम्स एंड द मीनिंग ऑफ प्रोबिटी, ईमानदारी, सच्चाई, प्रोजनी, प्रोजनी, बच्चे, चिल्ड्रन, ऑफस्प्रिंग, ब्रूड, ब्रूड किया था ना, ब्रूड, ब्रेड खाते हुए ब्रूड कर रहे हैं, ब्रूड, हाँ, प्रोजनी ऑफ जेन फैमिली, ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं ना, चिल्ड्रन तो कहते ही हैं, प्रोजनी ऑफ जेन फैमिली, प्रोमिस्कुअस का मीनिंग होता है इलिसिट रिलेशनशिप, आपने एक वर्ड किया था पैरामोर, वो इलिसिट लवर था, ये रिलेशनशिप है, वो तो बंदा या बंदी हो गए, पैरामोर, जो उनकी रिलेशनशिप है वो क्या है, प्रोमिस्कुअस, तो प्रॉमिस आ रहा है प्रॉमिस, प्रॉमिस करके प्रोमिस्कुअस रिलेशन तोड़ दो, प्रॉमिस करके प्रोमिस्कुअस रिलेशन तोड़ दो, प्रॉमिस करके प्रोमिस्कुअस रिलेशन तोड़ दो, प्रोपेंसिटी का मीनिंग है लाइकिंग, अब देखो पेन की सिटी बजाता है, इसे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, इसकी लाइकिंग है, आपने पेन चेंट किया था ना, पेन को चेंट करता रहता है, अब पेन की सिटी बजा रहा है, पेन के ढक्कन की सिटी बजा रहा है, प्रोपेंसिटी, पेंसिटी, प्रोपेंसिटी, पेन की सिटी बजाना इसकी प्रोपेंसिटी है, लाइकिंग है, प्रोपिशिएट, शांत करना, आपको याद होगा शांत एले वाली जो स्टोरी थी उसमें इस वर्ड को आप ऐड कर सकते हैं, मैंने जान के उस समय नहीं कराया था क्योंकि थोड़ा लंबा वर्ड था, बट आप कर सकते हैं, देखो पिटी, पिटी का मीनिंग है पिटना, और एक पिटी, PITY, पिटी क्या होता है, दया, ठीक है, एट होता है खाना, कह रहा है पहले मॉम से पिटी, फिर पापा ने फेल्ट की पिटी और उसे दे दिया आइसक्रीम शांत करने के लिए, मॉम से पिटी, हिंदी का पिटी, मार पिटी, पापा फेल्ट पिटी, पापा को आई दया और उसे शांत करने के लिए दे दी आइसक्रीम, टू प्रोपिशिएट, मॉम से पिटी, पापा फेल्ट पिटी, प्रोपिशिएट, शांत करना, डन, ठीक है, रिवाइज करते हैं, प्रोपिशिएट का मीनिंग है शांत करना, प्रोजनी बच्चे, प्रोपेंसिटी लाइकिंग, प्रोमिस्कुअस illicit relationship, fine, next word is proponent, proponent,
सपोर्टर होता है, सपोर्ट करने वाला सपोर्टर, तो कह रहा है ओपोनेंट, ओपोनेंट का ऑपोजिट है ये, लिख दो प्रोपोनेंट नॉट इक्वल टू ओपोनेंट, प्रोपोनेंट नॉट इक्वल टू ओपोनेंट। प्रोपाउंड एनालाइज करना, सो आई प्रोपाउंडेड द वैल्यू ऑफ पाउंड, पाउंड क्या है, यूके की करेंसी है, बार बार बढ़ता जाता है, हमने उसे सामने रखा उसे एनालाइज करने के लिए कि यार ये विश्लेषण करते हैं इसके ऊपर ये कैसे हो रहा है। आई प्रोपाउंडेड द वैल्यू ऑफ पाउंड, प्रोसेक, प्रोस पढ़ना बड़ा प्रोसेक होता है, डल एंड बोरिंग, क्या हुआ आपने राहुल गांधी की स्टोरी में, प्रोस पढ़ना बड़ा प्रोसेक होता है, डल एंड बोरिंग होता है, कल आपने याद नहीं दिलाया था उस क्लास में, स्टोरी कह रहे थे ना, याद नहीं दिलाई थी आपने, प्रोसेनियम, बहुत बढ़िया वर्ड नहीं है ये, सारे बाकी बढ़िया है, ये बढ़िया वर्ड नहीं है, बट कर लेते हैं, आ गया है तो, प्रीसीन प्रोसेनियम, फ्रंट पार्ट ऑफ द स्टेज, जब पर्दा गिरा होता है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है प्रोसेनियम है, प्रीसीन, अभी रामलीला या प्ले का सीन शुरू नहीं हुआ होता, प्रीसीन प्रोसेनियम, प्रीसीन प्रोसेनियम, ओके, प्रोसेनियम का मीनिंग है फ्रंट पार्ट ऑफ द स्टेज, प्रोपोनेंट सपोर्टर, ओपोनेंट का ऑपोजिट है, प्रोसेक डल एंड बोरिंग, एंड प्रोपाउंड एनालाइज कर। प्रोटीन का मीनिंग है मल्टी टैलेंटेड पर्सन, वर्सेटाइल भी कहते हैं इसे, तो कह रहा प्रोटीन खाओ प्रोटीन बन जाओ, हरफन मोला, प्रोटीन खाओ प्रोटीन बन जाओ, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, प्रोटीन, प्रोटीन खाओ प्रोटीन बन जाओ, प्रोविंडर चारा, फोडर जो गाय भैंसे खाती हैं चारा, जानवर खाते हैं चारा, तो वेंडर ऑफ प्रोविंडर, ये वेंडर है प्रोविंडर का, वेंडर क्या होता है सप्लायर, इज अ वेंडर ऑफ प्रोविंडर, वेंड प्रोविंडर, डन, प्रोविनेंस ओरिजिन स्रोत, नो वन कैन प्रूव द प्रोविनेंस ऑफ दिस पेंटिंग, नो वन कैन प्रूव द प्रोविनेंस ऑफ दिस पेंटिंग, प्रोविनेंस, हमारी क्लास आज सारे वर्ड्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, कोई बची हुई चीज़ है वो भी ज़रूर पूछ लेंगे, वैसे तो कल से हमारी बाकी बैचेस की छुट्टियां हैं, कल एक और बैच है इसके बाद उसकी भी कल से छुट्टी है, बट अगर आपको फिर भी लगे कि और भी कोई डाउट है, कोई चीज़ अधूरी है, कुछ रह गया, कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो हम मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम एक तारीख और रख रहे हैं, एक तारीख, एक नवंबर, ठीक है, इसी समय एक नवंबर को आप अपने डाउट्स लेकर आ सकते हैं, कोई चीज़ रह गई हो वो भी अभी बता देंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये देखिए जी, प्रूड, प्रूड नहीं, प्रूड रूड, प्रूड पीपल रूड नहीं होते, मोडेस्ट, प्रूड पीपल रूड नहीं होते, प्रूड लोग रूड नहीं होते, प्रूड, प्राय ताक झांक करना, प्राय लोगों को प्राय कर रहे हैं, अरे बताओ तुम्हारी वेट कर रहा हूँ, सब चले जाएंगे, क्या रहा सर, 360 रुपये के जी, 24 से 25 पीस आता है, अच्छा थोड़े ना होता है, ज़्यादा बता रहा है, बूंदी वाले लड्डू, कोई थोड़ा कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था पहले दे दी ना, गलत चीज़ आ जाएगी, किसी को भेजो ना, कौन आएगा, आप ले आओ जल्दी लाओ, 2 किलो ले आओ, ठीक है, थोड़े बढ़िया हो, मतलब बेकार ना हो,
अग्रवाल से लेना, हाँ मतलब कंप्लेन ना करें ना कि ये क्या दे दिया। इवन सुनो इसे बता दो, इसे बता देना अगले मैच के लिए भी चाहिए होंगे, फिर दोबारा भेजना पड़ेगा मुझे। अभी एटलीस्ट 25-30 तो भी चाहिए हमें, 25 तो भी चाहिए। सुनो सिंगल सिंगल ही देंगे, तो अगर एक किलो में सपोज 23 चढ़ रहे हो तो दो तीन फालतू लेना, 25 तो जरूर चाहिए। ठीक ठीक मैं वेट कर रहा हूँ, बाहर खड़े हो। पल्चरिट्यूड इज द लास्ट वर्ड, ब्यूटिफुल। तो पल्चरिट्यूड से एटीट्यूड आ जाता है। आपने जूनो किया, कमली किया, और हमारा लास्ट वर्ड बड़ा सुंदर है, पल्चरिट्यूड है। पल्चरिट्यूड सुंदर, ब्यूटिफुल। या लिखा हुआ है, देखो बुक में लिखा हुआ है ना, ब्यूटिफुल। सारे हाँ हाँ वही, नहीं नहीं ठीक है, सुंदर याद रखो, ब्यूटीफुल, दैट्स ऑल। हाँ तो पर्चुरिट्यूड से एटीट्यूड तो आ ही जाता है। फाइन, ये देखिए जी लास्ट प्रिविजन बताइए, प्रूड क्या है, प्रूड क्या है, विनम्र, ये लोग रूड नहीं होते ना, मोडेस्ट होते हैं। प्रोटीन, मल्टी टैलेंटेड, वर्सेटाइल, दिस इज प्रोवेनेंस। फाइन, एंड प्रोवेंडर, चारा, चारा को फोडर भी कहते हैं, हे भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। एफ के फाइव वर्ड्स रहते हैं, यार मैं लाने भूल गया, चलो वैसे बता देता हूँ, निकालिए जी एफ के फाइव वर्ड्स, मेरे दिमाग में नहीं रहा, आपने कल कहा था मुझे फाइव वर्ड्स, यस। तो फाइव वर्ड कौन कौन से हैं, बोलेंगे कौन सा वर्ड है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको, पिक्चर अभी नहीं है मेरे पास, कौन सा वर्ड है बोलेंगे प्लीज। फोस्टर, फोस्टर का मीनिंग होता है एनकरेज करना, ठीक है। और एक ना वो बियर थी, फोस्टर बियर बड़ी फेमस हुई थी, ऑस्ट्रेलियन बियर क्रिकेट के मैचेस में ऐड आया करती थी, तो वही हमारा लिंक वर्ड है, वो सबको ना फोस्टर बियर पिलाकर फोस्टर कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। तो लिख दो, फोस्टर बियर पिलाकर फोस्टर कर रहा है, फोस्टर, या आप पोस्टर से भी याद कर सकते हैं, है ना, पोस्टर लगाने वालों को फोस्टर कर रहा है, एनकरेज कर रहा है कि लगाओ लगाओ सारी दीवारों पे लगा दो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप उस लेवल पे तो पहुंच चुके हैं कि छोटे मोटे लिंक वर्ड तो खुद बना सकते हैं, है ना, इन केस मैं तो बना ही रहा हूं। और अगला वर्ड क्या है, एफ ओ यू एन डी, ये वर्ब है, देखो वर्ब लिखा हुआ है इसके आगे, एक नाउन होता है, फाउंडर होता है संस्थापक, और इसका मीनिंग क्या है, असफल होना। तो फाउंडर, वो जो नाउन है ना, वो हमारा लिंक वर्ड है, लिखिए कंपनी का फाउंडर, फाउंडर हो गया, कंपनी का फाउंडर, फाउंडर हो गया, कंपनी का फाउंडर, फाउंडर हो गया। एफ के पांच वर्ड रह रहे थे, वो मैं बोल रहा हूं क्योंकि आई डोंट हैव पिक्चर्स टुडे। ठीक है, और बोलिए जी, फ्रैक्चर, चिड़चिड़ाया, झगड़ालू, आपने झगड़ालू की स्टोरी में किया था, है ना, तो लिखिए फ्रैक्चर होने से फ्रैक्चर्स हो गया, लिख लो लिख लो, फ्रैक्चर होने से फ्रैक्चर्स हो गया। और बोलिए, फ्रेल मींस वीक, रेल, रेल में रहकर फ्रेल हो गया, खाना बढ़िया मिल नहीं रहा था रेलगाड़ी में, चार पांच दिन रहना था उसे, वीक हो गया, तो रेल में फ्रेल, लिख दो रेल में फ्रेल। और बोलिए, फ्रोटो का लास्ट वर्ड, फ्रॉड का मीनिंग है भरा हुआ, लदा हुआ, और फ्रॉड क्या होता है, धोखेबाज, फ्रॉड, तो लिख दो फ्रॉड, हमारी पॉलिटिक्स, लिखो हमारी पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति फ्रॉड लोगों से फ्रॉड है, भरी हुई है, पॉलिटिक्स इज फ्रॉड विद फ्रॉड पीपल, पॉलिटिक्स इज फ्रॉड विद फ्रॉड पीपल। ठीक है, कोई डाउट हो जाएगा ना, ओके तो अभी आते हैं हम फ्रेजल वर्ब पे, प्लीज आइए फ्रेजल वर्ब, जो लिंकिंग वाले हैं वो मैं करा रहा हूं आपको, इसमें सामने देख के बताइए, ये सब हो गए हैं क्या, जो हो गए हैं, यस यस बोलते रहिए, सेट करो इसे, फोन को सेट करो, इरिटेट होते हैं सब, सबसे आगे बैठ के फोन बजते हैं, क्या फायदा,
साइलेंट करो इसे, साइलेंट बंद कर दो, बंद कर दो, दीवार पे मारो बंद हो जाएगा। फॉल हो चुका है हमारा, ब्रिंग हो चुका है, कास्ट गुड, बैर ब्रेक गुड वन, गेट ब्लो शुरू में ये देखो ब्लो, देखो ब्लो का मीनिंग, ब्लो सिर्फ ब्लो के दो तीन मीनिंग होते हैं, हॉर्न बजाना ब्लो हॉर्न, ट्रकों के पीछे लिखा होता है ब्लो हॉर्न, लिखा होगा है ना। ब्लो का मीनिंग फूक मारना भी होता है, ब्लो का मीनिंग घुसा मारना भी होता है, आई विल गिव यू अ हॉट ब्लो। आपको याद होगा बातूनी के लिए किया था लिंक वर्ड, ब्लो हार्ड को हार्ड ब्लो दिया है ना, तो ब्लो के मीनिंग होते हैं। बट हम ब्लो का मीनिंग हवा लेकर चल रहे हैं, फूक हवा, हाँ इट्स ब्लोइंग फास्ट, बड़ी तेज हवा चल रही है, इट्स ब्लोइंग ऐसे कहते हैं। तो ब्लो आउट का मीनिंग है फूक मार के बुझाना। आपका बर्थडे होता है तो मोमबत्ती को फूक मार के ब्लो आउट करते हो, वो जो मुंह में हवा भरी हुई है ना उसे आउट बाहर निकालो और बुझा दो मोमबत्ती, ठीक है। ये देख रहे हैं ब्लो करके आउट कर दिया मोमबत्ती को, ब्लो आउट। अगर हाथ से बुझाओगे तो पुट आउट हो जाएगा, मिट्टी डाल के आग बुझाओगे तो पुट आउट हो जाएगा, और फूक मार के बुझाओगे तो ब्लो आउट हो जाएगा, ये फर्क है। ब्लो ओवर कम टू एन एंड विदाउट एनी हार्म, देख रहे हैं बिना हानि के चीज़ों का निकल जाना। जैसे ये ब्लोअर चल रहा है उसमें से बहुत गंदी जहरीली हवा आ रही है और हम कह रहे हैं नीचे बैठ जाओ, इसे ओवर होने दो, ओवर हो गया बंद कर दो, यस अच्छा है, नुकसान नहीं हुआ, ब्लो इज ओवर नाउ, ये ब्लो ओवर हो गया यानी कि नुकसान नहीं हुआ। सेंटेंसेस जरूर पढ़ने हैं आपको घर जाकर, ये तभी क्लियर होंगे। हाँ अच्छा आगे देखिए, ब्लो अप, वेट वेट, ब्लो अप क्या मीनिंग है ब्लो अप का? यस, एक बहुत बड़ा गोडजिला राक्षस आता है, अपने मुंह से हवा निकालता है, आग निकलती है, कारें बसें ट्रक सब हवा में जाकर अप, ऊपर जाकर अप, ब्लो अप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, मुंह से आग निकाली, ब्लो ब्लो यानी कि हवा निकाली और वो ऊपर जाकर विस्फोट कर दिया उसने, एक्सप्लोड विस्फोट होता है। हाँ डन, सेंटेंस जरूर देखिएगा। कम इज ओवर, देखिए कम को हम कर रहे हैं, इससे पहले इसके ऊपर कौन सा लिखा हुआ है, ब्रेक ब्रिंग, ब्रिंग और कम को मैं दो चीजों को जोड़ रहा हूं, देखिए कैसे। आपने उसमें किया था, इसमें कह रहा है कम अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या है देखिए, कॉज टू हैपन। आपको याद है मिस्टर ब्रूस को लाया था आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए, याद है उन्होंने क्या बोला था, कुछ बोला था, अरे मन ने कुछ कुछ समझ ना आ रहा, उन्हें हिंदी पंजाबी भोजपुरी हरियाणवी सब आ गई थी, इंग्लिश भूल गए थे वो, क्योंकि मैंने ब्रिंग लेकर आया था अबाउट यू गाइस, आज क्या हुआ वो खुद ही आ गए कम, हमने कैसे कहते हैं अबाउट देम, बट जब बाहर निकले फिर वही उनका हाल था, है ना। तो कम अबाउट का मीनिंग भी कॉज टू हैपन है। आप एक तार बनाइए, एक वायर बनाइए, एक एरो बनाइए जो कम अबाउट से जाएगा सीधा ब्रिंग अबाउट पे, जब आप रिविजन करने बैठेंगे तो आपको याद आएगा ब्रिंग अबाउट कम अबाउट सेम होता है। बना दो ब्रिंग अबाउट कम अबाउट, ठीक है क्लियर। अब ये देखिए कि ये भी है कम राउंड ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड को पढ़िए क्या था, राजी करना, मेक अग्री, याद आ रहा है ना। अब हम कर रहे हैं कम राउंड, पहले आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, माता पिता के राउंड कटवाए थे, मान जाओ तो आपके माता पिता ने क्या कहा था, ये ले बेटा 250 रुपये जी ले अपनी जिंदगी, याद है। अब क्या हुआ, अब वो खुद ही आ गए आपके फ्रेंड्स रिश्तेदार पड़ोसी और आपके माता पिता के आसपास राउंड लगाने लगे और ये फिर मान गए। तो कम राउंड, आप जब भी उनके आसपास राउंड लगाते हैं चाहे वो ब्रिंग करके लगाओ या कम करके, वो मान ही जाते हैं। ये दो वर्ड सेम है, इसका भी लगा दो एरो, कम राउंड ब्रिंग राउंड, कम अबाउट ब्रिंग अबाउट, ये दोनों सेम है। अब इसे समझते हैं, देखिए हो गया एरो लगा दिया। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है अचानक मिलना, कम आना क्रॉस, आप रोड क्रॉस कर रहे थे वहां फ्रेंड मिल गया, अबे तू कहां, है ना, अचानक मिलना। इसकी एक एरर आती है ध्यान देना, इससे पहले सडनली कभी नहीं आएगा, इससे पहले सडनली कभी नहीं आएगा क्योंकि इसका मीनिंग है अचानक मिलना होता है। इसके बाद विद भी नहीं आता क्योंकि इसके साथ नो प्रेपोजिशन, आई लव यू, आई हेट यू, आई टीच यू, आई किल यू, आई बीट यू, नो प्रेपोजिशन, ओके। कम बाय का भी मीनिंग है मिलना परंतु किसी वस्तु का, कम अक्रॉस का मीनिंग क्या है, पर्सन का मिलना, कम बाय मैं आ रहा था, कम बाय होता है नजदीक, बाय का मीनिंग द्वारा भी होता है नजदीक भी होता है। जैसे मैं अभी
कंप्यूटर के साथ खड़ा हुआ हूँ नजदीक, सो आई एम स्टैंडिंग बाय द कंप्यूटर, ऐसे बोलते हैं. सो कम बाय किसी वस्तु का मिलना, यार चेन बहुत प्यारी है, तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गई, ऐसे बोलते हैं ना. यार टी शर्ट बड़ी प्यारी डाली है तुमने, तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गई. तो हाउ डिड यू कम बाय दिस टी शर्ट, हाउ डिड यू कम बाय दिस चेन, हाउ डिड यू कम बाय दिस बाइक, ऐसे बोलते हैं. तो कम बाय अचानक मिलना, याद रखिए कम अक्रॉस पर्सन का, कम बाय वस्तु का. परंतु नीचे लिखा है कम अपॉन, इसमें दोनों चीजों का मिलना होता है, कम आना अपॉन उसके ऊपर. अब उस चीज के ऊपर आगे गलती से वो फाइल पड़ी हुई थी और आप ढूंढ रहे थे, वही थी, वही मिल गई, बिखरी पड़ी थी बहुत सारी फाइल्स, जो आपको चाहिए था मिल ही नहीं रही थी, हजारों फाइल्स थी. अचानक चलते चलते उस रूम में आपने देखा, अरे मैं तो उसके ऊपर ही खड़ा हूं. कम अपॉन दैट फाइल. कम अपॉन पर्सन का मिलना भी हो सकता है और थिंग का भी, परंतु कम अक्रॉस और कम बाय पर्सन और थिंग के लिए होते हैं. तो दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस आल्सो. हाँ अच्छा, फिर देखिए जी कम ऑफ, ये देखिए कम ऑफ बहुत खास है. ये कम ऑफ का मीनिंग होता है किसी फैमिली से ताल्लुक करना. भाई साहब आप कहाँ से हैं, एमपी से हैं, सो ही कम्स नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ही बिलोंग्स टू, ही हेल्स फ्रॉम. आई बिलोंग टू हरियाणा, आई बिलोंग टू पंजाब, आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू ग्वालियर, आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर. फाइन, बिलोंग टू होता है. बट ये डॉक्टर की फैमिली से हैं, ये टीचर की फैमिली से हैं, ये आर्मी वालों की फैमिली से हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ही कम्स ऑफ अ डॉक्टर्स फैमिली, शी कम्स ऑफ अ टीचर्स फैमिली, ही कम्स ऑफ अ प्लेयर्स फैमिली, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, या फ्रीडम फाइटर्स. तो कम ऑफ होता है, याद रखना, एरर में इसका ना कम फ्रॉम बना देता है वो, जो कि गलत होता है. कम फ्रॉम फ्रेजल वर्ब नहीं है, कम फ्रॉम तो दो अलग अलग वर्ड है. आई हैव कम फ्रॉम लंडन, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, वो ये होता है. बट किसी फैमिली से ताल्लुक रखना कम ऑफ होता है. ये कम ऑफ और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका मीनिंग है अलग होना, उखड़ना, सेपरेट होना. ये पीस है ना, ये प्लाई का, ये एल्यूमिनियम का, ये इसकी जो गम खत्म हो गई है, कील ठोकना पड़ेगा, ये उखड़ रहा है. सो इट इज कमिंग, आ रहा है ऑफ, इससे अलग होके. ऑफ का मीनिंग अलग होना होता है ना, सो इट्स कमिंग ऑफ. द बटन ऑफ माई शर्ट इज कमिंग ऑफ, उखड़ रहा है. द बटन ऑफ योर शर्ट इज कमिंग ऑफ, ये जो पीओपी की पपड़ी बन जाती है बारिश की वजह से, गिरने लगता है सीमेंट या फिर पेंट, क्या कहते हैं, द पेंट इज कमिंग ऑफ. अरे ध्यान से, ये उखड़ रहा है, पंखा जरा ध्यान से पीछे हो जाओ, इट्स कमिंग ऑफ. ठीक है, अब एक आता है कम ओवर, काबू पाना. घोड़े को काबू पाना था, आप चढ़ गए पेड़ पे, वहां से जंप ली, कम आ गए ओवर उसके ऊपर, उसे काबू पा लिया. तो कम ओवर और गेट ओवर सेम होते हैं, कम ओवर गेट ओवर सेम होते हैं, काबू पाना. ठीक है, फाइन, और कुछ, अगला देखिए, ये हो चुका है पक्का, यस नो, अरे आवाज कम आ रही है, कम ऑन, ये हो चुका है, ये लिव. देखिए भाई सिंपल है, इसमें लिंक वर्ड की जरूरत नहीं है. इसका मीनिंग देखिए, लिव ऑन का मीनिंग है डिपेंडेंट होना. हॉर्स क्या खाता है, चना खाता है. गाय क्या खाती है, चारा. आप क्या कहते हैं, खाना. तो ही लिव्स ऑन प्रोविंडर, अभी क्या प्रोविंडर, चारा है ना. एंड द कैट लिव्स ऑन रैट, उस पर डिपेंडेंट होती है. ठीक है, फूड की बात होती है, जो जो फूड खाए उसके लिए लिव ऑन बोलते हैं. ये मत करना, ये खराब है, ये यूज नहीं हो, सॉरी, हाँ ये यूज होगा दूसरे वाला, ये लिव बाय मैनर. जैसे आप अपने ऑनेस्टी से जीते हैं, ऑनेस्टी से जीते हैं आप, वो क्या है, यू लिव बाय ऑनेस्टी. ठीक है, आपका तरीका क्या है जीने का, बाय का मीनिंग द्वारा होता है ना, लिव होता है जिंदा रहना, यू लिव बाय योर ऑनेस्टी, ऐसे बोलते हैं. अगर फूड की बात होगी तो ऑन हो जाएगा, मैनर होगा तो बाय हो जाएगा, और लिव ऑफ इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ इनकम. जब भी ऑफ आता है मैं आपको क्या कहता हूँ, दूर करना, अलग करना. आप दूर जाकर रह रहे हैं यूएसए में, यू आर लिविंग ऑफ योर कंट्री. क्यों, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो वहीं से है ना. अब जहाँ इनकम होगी वहीं तो जाएंगे. अगर इनकम दिल्ली में होगी तो अपने गांव में क्या करोगे, फिर यहाँ रहना पड़ेगा आपको.
जहाँ बदली होगी वहीं जाओगे, ठीक है? तो लिव ऑफ वही होता है, इजी है, ये हो गया, यस? वो यस कह रहे हैं इसलिए देखिए, आपकी बुक कहाँ है? ऐसे नहीं, बुक बंद करके आप कह रहे हो गया, वो बोलेंगे कराया था नहीं कराया था, नहीं हुआ। चलो ये देख लेते हैं, फाइन, ये देखते हैं। रन का मीनिंग होता है भागना, आफ्टर होता है किसी चीज के पीछे, परंतु इसका मीनिंग है लालसा करना। सेंटेंस पढ़िए, व्हाई आर यू रनिंग आफ्टर मनी? आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं भाई? व्हाई आर यू रनिंग आफ्टर मनी? गेटिंग? रन आफ्टर सिंपल है। रन डाउन, ये देखिए भाई साहब, हेल्थ के लिए यूज होता है। वैसे रन का मीनिंग है भागना, डाउन का मीनिंग है नीचे, परंतु इसका मीनिंग नीचे भागना नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? माई हेल्थ इज रनिंग डाउन डे बाई डे, हेल्थ के लिए यूज होगा, गिर रही है। ग्राफ के लिए भी हो सकता है, ग्राफ इज गोइंग डाउन, रनिंग डाउन, परंतु ये वर्ड का इस्तेमाल होता है हेल्थ के लिए। रन इनटू, ये देखिए अभी कम अक्रॉस किया था, अचानक मिलना, आप रोड क्रॉस कर रहे थे, फ्रेंड मिल गया था, अब आप रन कर रहे थे मार्केट, इनटू था सीधा टकराए, अबे तू यहां कैसे आया? यानी कि पेड़ या पिलर या दीवार में टकराना भी हो सकता है और किसी पर्सन के साथ टकराना भी हो सकता है। पर्सन के साथ टकराने का मीनिंग होगा अचानक मिलना। तुम लेट क्यों आए आज क्लास में? सर एक्चुअली आई रन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड। और किसी चीज में टकराना, द बस रन इनटू द वॉल, ये भी टकराना है, रन भागना है इनटू उसमें। अच्छा देखिए जी, रन इनटू, रन आउट, कम टू एन एंड, क्रिकेट में रन आउट होता है प्लेयर, तो खत्म बारी, ऐसे याद कर लो। आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, सारे पैसे खत्म हो गए यार, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, एक फ्रेज ऐसे बोलते हैं, ओके। रन ओवर, कुचल देना, क्रश कर देना। ट्रक जा रहा था आगे, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, तो रन चला गया ओवर उसके ऊपर से, उसके ऊपर से निकल गया, यानी कि उसे कुचल दिया, क्लियर? और रन थ्रू वेस्ट मनी, आप पहले यहां से रनिंग कर रहे हो, कहां? वजीराबाद तक, नेहरू विहार तक, वहां पर फिर आप पेप्सी पीते हो, फिर रनिंग कर रहे हो गांधी विहार तक, फिर डोसा खाते हो, फिर रनिंग कर रहे हो वजीराबाद तक, फिर वहां पर पिज्जा खाते हो, फिर रनिंग कर रहे हो जहांगीरपुरी तक, फिर भटूरे खाते हो, फिर रन करते हुए यहां आते हो, फिर फलूदा कुल्फी खाते हो। मैं कहता हूँ वेट तो तुम्हारा कम नहीं हुआ, उल्टा मनी वेस्ट हो गई। तो यू आर रनिंग थ्रू डिफरेंट प्लेसेस ना, तो बहुत पैसा वेस्ट किया आपने, ठीक है? फाइन, उन्हें फोन करिए एक बार। गेटिंग? स्टैंड, स्टैंड खड़े होना है, बट स्टैंड बाय का मीनिंग है हेल्प करना। देखिए बाय का मीनिंग अभी मैंने क्या बताया था आपको, नजदीक होता है, तो यू शुड स्टैंड बाय योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड के नजदीक खड़े होना चाहिए, यानी कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो स्टैंड बाय। हाँ जी, स्टैंड बाय का मीनिंग है और स्टैंड फॉर, ये कोई फॉर्म बताते हैं ना, फुल फॉर्म AIR स्टैंड फॉर ऑल इंडिया रेडियो या ऑल इंडिया रैंक, है ना? MLA स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? MP स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये बोलेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है? एंड स्टैंड अप फॉर, देखिए स्टैंड अप फॉर तरफदारी करना। पिताजी आपकी पिटाई करने लगते हैं, बीच में माताजी आ जाती है और कहती है छोड़ो छोड़ो आगे से निकल रहे, व्हाई आर यू ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर हिम, तुम हमेशा इसके लिए क्यों खड़ी हो जाती हो, यानी कि इसकी तरफदारी क्यों करती हो, है ना? तो कहीं ना कहीं स्टैंड बाय, स्टैंड अप फॉर मिलते जुलते हैं, पहला और तीसरा। स्टैंड आउट का मीनिंग होता है अलग से दिखना। अब सब बैठे हुए हैं, आप में से कोई जल्दी जाने के लिए एकदम खड़ा होगा, सर मेरी क्लास में जा रहा हूं, तो स्टैंड आउट, स्टैंड होके आउट जाएगा तो अलग से दिखेगा सब में, ठीक है? अट्रैक्टिव होना भी है इसका मीनिंग, क्योंकि वो सब सबसे अलग अट्रैक्ट कर रहा है। कोई डाउट? देखिएगा हम 1 तारीख को दोबारा मिलेंगे, उसमें डाउट्स हो तो दोबारा पूछ लेना। अभी रुकिए एक मिनट, अभी हैं 2-3 मिनट हैं, वेट कीजिए। कॉल हो गया है, यस नो बोलिए फिर। अच्छा कॉल देखिए जी, ये देखिए भाई साहब, ये कॉल एट, कॉल ऑन, ये दोनों का मीनिंग मिलने जाना है, परंतु ध्यान दीजिए, एट आएगा तो प्लेस, ऑन आएगा तो पर्सन, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो। कॉल एट भी मिलने जाना है, कॉल ऑन भी मिलने जाना है, परंतु एट प्लेस के लिए, ऑन पर्सन के लिए, दोनों का सेंटेंस पढ़ सकते हैं आप। कॉल इन कॉल आउट, कॉल इन कॉल आउट, एक मिनट रुक जाओ बस। कॉल इन कॉल आउट का मीनिंग है
सेंड फॉर हेल्प, भाई साहब भगवान ना करे कहीं पर बिल्डिंग में आग लग जाए तो जो मेंबर्स हैं क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर दरवाजा खोल के बचाओ बचाओ कॉल कर रहे हैं इन, और बाहर बालकनी से हेलो बचाओ बचाओ, कॉल इन कॉल आउट, कॉल इन कॉल आउट, यानी कि क्या कर रहे हैं, सेंड फॉर हेल्प, ठीक है, और कॉल फॉर नेसेसरी है, यू आर कॉलिंग समवन, फोन पे किसी को कॉल कर रहे हो किसी चीज के लिए क्योंकि जरूरी है, इजी है, देखना होगा, कॉल अप फोन करना होता है, ये बहुत सारे लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं, चल भाई सी यू शाम को तुझे कॉल करता हूं, हिंदी में तो बोल दिया, इंग्लिश बोलते हैं चल आई विल कॉल यू, गलत, आई विल कॉल यू अप होता है, कितनी बार एग्जाम में आया है बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा गया आई विल कॉल यू अप, आई विल रिंग यू अप, कॉल तो बुलाना होता है ना, हेलो भैया इधर आना, आई एम कॉलिंग हिम, गेटिंग, बट आई एम कॉलिंग हिम अप, ये अप लग के फोन होता है, रिंग भी ऐसे ही होता है, चल यार सी यू आई विल रिंग यू इन द इवनिंग, गलत, रिंग का मीनिंग बजाना है, बेल मारना, टिंग डिंग कौन रिंग, बट आई विल रिंग यू नहीं, आई विल रिंग यू अप, आई विल रिंग यू अप, आई विल कॉल यू अप, कॉल अपॉन, अपील करना, एक बॉलर है LBW की अंपायर को अपील कर रहा है, अंपायर दैट्स आउट, अंपायर कहता है एक मिनट रुक जा सोचने दे, बोल यहां से टर्न हुई, अंपायर आउट, चुप कर सोचने दे, अंपायर दिस इज आउट, अंपायर ए चुप करके खड़ा हो देख रहा हूँ, बोल यहाँ से स्पिन हुई यूं यूं यूं, अंपायर आउट, अंपायर कुछ कह नहीं रहा है ना, या यस करे या नो करे कुछ कह नहीं रहा, बॉलर को गुस्सा आया, ऊपर चढ़ गया अंपायर के, यहाँ यहाँ पाँव रख के यहाँ बैठ गया और उसे कह रहा है अंपायर दिस इज आउट, अपील कर रहा है, कैसे कॉल कर रहा है अपॉन उसके ऊपर चढ़ के, उसके ऊपर चढ़ के अपील कर रहा है, यानी कि अपील कर रहा है, एक बार बुलाइए उन्हें प्लीज, ठीक है, ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया अपील करना, फाइन, और कुछ बचे हुए अगर जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम एक तारीख को करेंगे, फाइन, और कोई डाउट्स हो करप्शन वाला भी कुछ रहता है वो भी एक तारीख को करेंगे, बी फास्ट बी फास्ट बी फास्ट, फाइन, तो जितने भी डाउट्स हो लेकर आइए, हाँ प्लीज प्लीज, दिवाली वाला हफ्ता है, दिवाली है, इसके बाद हम दिवाली के बाद मिल रहे हैं, इसलिए मुंह मीठा कीजिएगा, है ना, तो बर्थडे भी थी दिवाली भी होगी, तो ये पूरा हफ्ता फेस्टिवल वीक है ना, तो इसमें अपना मुंह मीठा कीजिए, अरे पहले इन सबको तो जल्दी जल्दी, अरे कंजके नहीं बिठा रहे, जल्दी करो तुम, फोन कर रहे हैं लड़की को दे दो, हाँ ठीक है, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड मिलेंगे दिवाली के बाद, ओके, एंड ऑन 1st of November विल बी हैविंग अ डाउट एंड लास्ट क्लास, कोई और डाउट्स हो तो हम एक दो क्लासेस बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ के आइए पूरा, ठीक है, थैंक यू।